श्री वाहिगुरु जी का खालसा ते श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम जतिंद्रपाल सिंह है, मैं 9वीं जमात का विद्यार्थी हाँ। मेरे स्कूल का नाम सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल कैला डिस्ट्रिक्ट मोगा है। आज मैं तुहाडे सामने एक कविता पेश करन जा रहा हाँ जिसका नाम है गुलाब की फसल। आओ हुण मैं अपनी कविता तुहाडे सामने रूबरू करदा हाँ। सानू थापना गुरु गोबिंद सिंह दी सीस तली ते रखना जानदे हाँ। तत्ती तवी ते बैठ अड़ोल रहिए आरे हेठ भी जिंदगी मानदे हाँ। आरे हेठ भी जिंदगी मानदे हाँ। सीस गंज ते गड़ी चमकौर वाली सीस गंज ते गड़ी चमकौर वाली सानू अज भी जूझना दस देने जाके पुछ लो कंध सरहंद दीनू बाल चिने किदा हस देने बाल चिने किदा हस देने। मीर मैनू ने वाडियां लख पाइया मीर मैनू ने वाडियां लख पाइया असी फिर भी खिड़े गुलजार वांगू असी फिर भी खिड़े गुलजार वांगू। वड्डे सिरां दे जद सी मुल पैंदे वड्डे सिरां दे जद सी मुल पैंदे होए हौसले साडे अंगेयार वांगू होए हौसले साडे अंगेयार वांगू। बंद बंद कट भी वेख चुके बंद बंद कट भी वेख चुके फुल महकने जरा ना बंद होए फुल महकने जरा ना बंद होए। चढ़ाहा चढ़खदी परख दे योद्यां नू चढ़ा चढ़खड़ी परख दे योद्यां नू साडे कद सी होर बुलंद होए साडे कद सी होर बुलंद होए। टोटे जिगर सामने करन टोटे मावां डकरे चोली पवौंदियां ने मावां डकरे चोली पवौंदियां ने। उच्चा सुट के बोझ दे नेजियां नू उच्चा सुट के बोझ दे नेजियां नू पोरा फिर भी नहीं घबराउंदियां ने पोरा फिर भी नहीं घबराउंदियां ने। इस मिट्टी दे नाल है मोह सानू इस मिट्टी दे नाल है मोह सानू नाल लहू दे इस नू रंग दे रहे नाल लहू दे इस नू रंग दे रहे। कानू वाण दे जंगलां विच बैठ कानू वाण जंगलां विच बैठ खैर देश दी फिर भी मंग दे रहे खैर फिर भी देश दी मंग दे रहे। साड़ी पिठ ते खड़ा इतिहास साडा साड़ी पिठ ते खड़ा इतिहास साडा सानू माण है लहू दे रंग उत्ते सानू माण है लहू दे रंग उत्ते। असी जान दे किंज कुर्बान होना असी जान दे किंज कुर्बान होना सोने देश दी मंग उत्ते सोने देश दी मंग उत्ते। जदों अंबा नू लगे बूर होवे जदों अंबा नू लगे बूर होवे कोयल आके उस थां चहकदी है कोयल आके उस थां चहकदी है। जिथे जिथे शहीदां दी रत डुले जिथे जिथे शहीदां दी रत डुले उथे फसल गुलाब दी महकदी है उथे फसल गुलाब दी महकदी है। श्री वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जे इस कविता विच कोई मेरे तो भुल चुक हो गई होवे ता प्लीज़ कृपा करके मैनू माफ़ करना अते अगे तो मैं इस कविता विच कोई भी गलती नहीं करांगा इसलिए मेरी इस कविता नू वध तो वध सुनिया जावे। धन्यवाद।